Assalamu alaikum class, Samreen here. Today we are going to start the fifth lecture of ADS and BS. और इसमें जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, बाकी इसके बारे में कितने मॉडल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले आपके पास सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है क्लास. सेल मेम्ब्रेन, अगर आप एक एनिमल का सेल लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल के सेल के केस में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री. दिस इज न्यूक्लियस और उसके दरमियान में ये साइटोप्लाज्म और ये जो बाउंड्री है ये किसकी है, ये सेल मेम्ब्रेन की है क्लास. और इसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी लिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर क्लास. लेकिन जब आप आते हैं प्लांट सेल के केस में, प्लांट के अंदर देखते हैं तो प्लांट का सेल होता है हेक्सागोनल. हेक्सागोनल ये शेप होता है और हेक्सागोनल शेप के साथ साथ इसकी एक आउटर बाउंड्री और भी होती है. और वो बाउंड्री कैसे होगी कि यहां से आपके पास ये एक आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री के साथ ये एक इनर बाउंड्री. ये जो आपके पास सेल है इसमें आउटर बाउंड्री किसकी होगी, ये सेल वॉल होती है. और सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है. लाइफ सेल की जो होती है, लिविंग सेल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं वो है. अब ये दोनों क्या है आपके पास, दोनों सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल. तो सेल मेम्ब्रेन को हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं, दोनों सेल्स के साथ रखे करते हैं. अगर आप बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, बैक्टीरिया के अंदर देखते हैं तो वो भी ये होती है, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी. अब आ जाते हैं क्लास सेल मेम्ब्रेन की क्या केमिकल कंपोजिशन है, किस किस चीज से ये मिलकर बनी होती है. जो बाउंड्री हमने बोली है ये किस से मिलकर बनी है, तो सबसे पहले इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड फोर्थ इज द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल दैट इज आल्सो लिपिड. प्रोटीन की परसेंटेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है वो 60-80% है. अगर आपके पास 60% प्रोटीन है तो इट विल बी 40% लिपिड्स, और अगर 80% प्रोटीन है तो इट विल बी 20% लिपिड. ठीक हो गया. अब ये जो इसकी परसेंटेज है, ये हर एक तकरीबन जितनी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जितने सेल पाए जाते हैं उनके अंदर ये कंपोजिशन जो है वो मेंटेन होती है. उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास लिपिड्स आते हैं. और लिपिड्स क्यों पाए जाते हैं, ताकि मेम्ब्रेन को सिलेक्शन मिले. ये हम देखते हैं कि वाकई लिपिड्स होते हैं नहीं, हमने जो है वो आज डिस्कस करना है. फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स कुछ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होती हैं और शुगर भी आपके पास इस मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, उसकी अमाउंट अबाउट 6-8% होती है. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फोर मेम्ब्रेन रिंग्ड स्ट्रक्चर, फोर रिंग स्ट्रक्चर है. और फोर रिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सिक्स कॉर्नर जो है वो दो ये होते हैं, तीन टोटल आपके पास सिक्स कॉर्नर रिंग होंगे और एक होता है जो आपके पास क्या होगा फाइव कॉर्नर. ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है. और कोलेस्ट्रॉल क्यों पाया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि मेम्ब्रेन को सिलेक्शन भी देनी और मेम्ब्रेन को सपोर्ट भी करनी होती है. हर चीज मेम्ब्रेन में से पास ना हो वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का काम होता है. और दूसरी बात ये है कि इसने जो है वो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट भी देनी होती है. उसके बाद क्लास जब हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने हैं तो स्ट्रक्चर के अबाउट जो है वो यहाँ पे एक पूरी डिटेल है. यानी डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को जो है वो बताने की कोशिश की है और वो आज देखते हैं कैसे. चार्ल्स वर्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी है. वो क्यों कहा उसने, उसने ये कहा कि जो लिपिड सॉल्युबल चीजें होती हैं वो इस मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरती, गुजर जाती हैं सॉरी, और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं वो इस मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरती. इसलिए उसने ये एक ओपिनियन दिया था, अपने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है. दूसरे साइंटिस्ट आए लैंगमोर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपके पास एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई. आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कैसे बनाई, कुछ फॉस्फोलिपिड्स लिए, ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेने के बाद उसने किस चीज में डिसॉल्व किया, यानी एक सोल्यूशन बनाया. क्या क्या डाला इसमें, फॉस्फोलिपिड्स और साथ में क्या डालेंगे, बेंजीन प्लस बेंजीन. अब फॉस्फोलिपिड और बेंजीन इसके अंदर उसने डाला, जब थोड़ी देर रखा तो बेंजीन तो एवोपरेट हो गई, निकल गई, बाकी बच गया फॉस्फोलिपिड और उसके पास एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बन गई, जिसकी वजह से उसने ये कहा कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की या लिपिड्स की.
तीसरे नंबर पे गॉडरिक ग्रेंडल आए, इन्होंने बड़े डिटेल जो है वो इन्होंने भी यही कहा कि जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी हुई है, और इन्होंने बड़ा काम करने की कोशिश की कि जी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कंपोजिशन क्या है और क्या परसेंटेज होती है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, लेकिन ये फेल हो चुके थे, इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद दो मॉडल्स आए जो इम्पोर्टेंट मॉडल समझे जाते हैं, एक डेविसन डैनिल और दूसरा सिंगर निकोलसन। डेविसन और डैनिल ने जो एक मॉडल दिया उस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल क्या कहता है? सैंडविच मॉडल के मुताबिक इसमें दो प्रोटीन्स की लेयर होंगी और दो ही लिपिड्स की लेयर होती है। यहां पे मैंने आपको एक सैंडविच मॉडल बना के दिखाया है, और डेविसन और डैनिल के मुताबिक ये मॉडल इस तरह है कि जैसे आपके पास एक सैंडविच है जिसमें दो ब्रेड्स होती हैं और उसके दरमियान आप फिलिंग रखते हैं, और एक एक ब्रेड लोअर साइड पे होती है, दूसरी ब्रेड उसके ऊपर, दरमियान में फिलिंग होती है, एक सैंडविच बनता है। बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, और इसके मुताबिक इस स्ट्रक्चर के मुताबिक दो प्रोटीन्स लेयर, ये भी प्रोटीन लेयर आउटसाइड पे, और दूसरी साइड पे भी आपके पास क्या होगी, ये भी एक प्रोटीन लेयर। तो ये जो रेड कलर है ये प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, यानी प्रोटीन जो है वो, जैसे आपके पास सैंडविच की एग्जांपल आपको दी है, तो सैंडविच वाली जो ब्रेड है वो प्रोटीन्स हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर जो आप फिलिंग डाल रहे हैं वो लिपिड्स हैं, जो अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल है। अब ये दोनों प्रोटीन की लेयर आ गई, और इसके दरमियान में ये वाली जो लेयर है आपको, ये दोनों लिपिड्स की लेयर है, और कौन से वाले लिपिड्स होते हैं, फास्फो लिपिड्स होते हैं। अब होगा क्या, बाहर भी एक प्रोटीन है, उसके दोनों साइड पे, पेरिफ्री पे, दोनों साइड पे, आउटसाइड पे प्रोटीन होती है, और प्रोटीन के अंदर क्या रखा आपने, जिसको आपने फिलिंग बोला है, वो आपके पास क्या है, लिपिड्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टू प्रोटीन लेयर्स दैट एक्ट एज अ ब्रेड, ठीक है, और टू लिपिड लेयर्स दैट आर एक्ट एज फिलिंग, ठीक है, और जो लिपिड्स हैं आर सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स। ये मॉडल ये कहता है कि दो प्रोटीन लेयर हैं, उसके दरमियान में क्या है, यहां पे जो लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। बट हुआ क्या कि जो सैंडविच मॉडल के मुताबिक ये दिया गया, तो बाद में जब फर्दर इसके ऊपर काम हुआ या रिसर्च हुई, और जो सिंगर और निकोलसन ने की, उनके मुताबिक ये हुआ कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक लेयर की फॉर्म में नहीं है। इस मॉडल को हमने फिर क्रॉस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास इसने कहा कि प्रोटीन्स क्या हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेयर हैं, और आउटसाइड प्रेजेंट होती है बाहर वाली, और अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब फर्दर इसके ऊपर काम हुआ सिंगर और निकोलसन के मुताबिक, और उनके मॉडल को उन्होंने नाम किया दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक का मतलब यह है फ्लूइड इसके अंदर यहां पर पास होता रहता है, चलता रहता है डायरेक्शन में, ठीक हो गया। मोज़ेक क्यों कहा गया? क्लास मोज़ेक का मतलब होता है कि आप जब छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के एक पिक्चर बनाते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस उनको हम ऐसे जो पिक्चर बनी होती है उसको हम मोज़ेक बोलते हैं। अब इसमें मोज़ेक का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें प्रोटीन लेयर की फॉर्म में नहीं है, प्रोटीन एक लेयर नहीं है, बट प्रोटीन के जो पीसेस हैं, प्रोटीन जो हैं, वो कहीं कहीं आपको इसके अंदर नजर आएंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पीस कहीं कहीं आपको लगे नजर आएंगे, और फ्लूइड जो है वो इन मूवमेंट होगा, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिपिड्स आर नॉट बाउंड विद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दैट मॉडल, इन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी डिटेल भी देखते हैं। अब यहां पर आप देखें, ये जो दो आपको रेड कलर की टेल्स दिखाई गई हैं, ये हैं उसके कौन से वाले एंड, जो फास्फोलिपिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड, किसके, फास्फोलिपिड के, क्योंकि फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है ना क्लास, वो आपके पास कुछ ऐसे है। ये वाला जो उसका हेड है ये उसका हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो साइड है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक क्लास। अब आप आ जाए इधर, इसमें मैंने देखें यहां पे ये दो लिपिड्स की लेयर हैं, ब्लैक कलर में जो आपको राउंड सर्कल नजर आ रहे हैं, दैट इंडिकेटिंग द
हाइड्रोफिलिक एंड बोथ साइड, अगर आप इसको आउटसाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और ये इन है, तो आप इसको देखो कि आउटसाइड पे भी पानी होगा तो हाइड्रोफिलिक एंड प्रेजेंट है, इनसाइड भी साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर तो इनसाइड भी क्या है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। अब ये तो होगी दो लेयर्स लिपिड की, जैसे उन्होंने बोला था दो लिपिड लेयर्स होती हैं, लेकिन प्रोटीन नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक। लाइक ये एक प्रोटीन है जो उस लेयर के दरमियान में है, हैंग कर रही है, एम्बेड हो रही है, उसके अंदर धंसी हुई है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज द एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे सरफेस पे आपको प्रोटीन नजर आती है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपको प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ लेयर नहीं है, जैसे यहाँ पे इसने पूरी एक लेयर बनाई है, इसमें लेयर नहीं बनाएगी, कहीं कहीं पे आपको नजर आती है क्लास। उसके बाद इस मॉडल को मोर एक्सेप्टेबल और मोर इम्पोर्टेंट मॉडल कहा गया, अभी तक इस मॉडल को जो फॉलो किया जा रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके अंदर एक और चीज, हमने ये तो देख लिया कि जी स्ट्रक्चर ये एक्सेप्ट हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही हमने कंपोजिशन में प्रोटीन लिपिड्स डिस्कस कर लिए, ये तो हमने कर लिए हुए। उसके बाद हमने देखा था स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है क्लास। ये जो आपको चार चार यूनिट्स यहाँ पे ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हर जो लेयर है इनसाइड उसके प्रेजेंट होगा अंदर को, ठीक है, ताकि यहां से जो लिपिड है वो पास आउट अगर हो रहे हैं तो उनको स्टॉप करेगा, सॉरी जो भी आए मटीरियल पास आउट हो रहा है वो इसको स्टॉप कर देगा। दूसरा फ्री जो ट्रांसफर है वो भी इसके अंदर नहीं होता क्लास। इसके साथ ही आप ये देखें कि यहाँ पे ये प्रोटीन है, इसके इनसाइड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब आ जाते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स कैसे बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है एक कवरिंग, ठीक है, मार्कर जो किस से बनता है, प्रोटीन से और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स, उन दोनों को जब आप मिलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस थोड़ी मोट अमाउंट जो है वो लिपिड्स की, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल का कोट कवरिंग, जो मार्कर होती है स्पेसिफिक सेल की, हर सेल के अंदर उनकी जो प्रोटीन्स की लिपिड्स की जो परसेंटेज है वो वेरी करती है, जो हर सेल का आइडेंटिफिकेशन जो फिंगर प्रिंटिंग का काम करता है, हर सेल के अंदर वो उसकी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होगी। इसके साथ ही क्लास प्रोटीन्स, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुताबिक ये जो आपके पास ये मॉडल है इसके मुताबिक जो प्रोटीन्स की टाइप्स हैं वो दो बताई गई हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी यानी उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कौन सी हैं आपके पास, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। What are these? Intrinsic का मतलब होता है जो embedded होंगी, धंसी हुई, ठीक है, embedded protein, उसके अंदर, उस plasma membrane के अंदर embedded। और जो extrinsic होती है, X mean होता है outside, surface, periphery, surface protein जो होती है वो सारी कौन सी होंगी, वो आपके पास कौन सी protein होंगी, extrinsic protein। ये जो ये आपको प्रोटीन नजर आ रही है ये सरफेस प्रोटीन है, और ये वाली जो है वो इसकी क्या है, एम्बेडेड प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है वो दो तरह की होती है, जिसको हमने आज डिस्कस की है क्लास। जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था हमने उसका स्ट्रक्चर आज डिस्कस किया है, फंक्शन इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।